NH-75 टोल प्लाजा को लेकर सर्वे का काम हुआ शुरू। विभाग के द्वारा दो जमीनों की रिपोर्ट भेजी गई। चानो प्रखंड में NH-75 पर टोल प्लाजा निर्माण को लेकर सर्वे का काम शुरू हुआ, जिसको लेकर NHAI और चानो अंचल के द्वारा जमीन संबंधित मामलों को लेकर सर्वे किया जा रहा है। NHAI के द्वारा बताया गया है कि चानो अंचल के द्वारा दो जगह जमीन चिन्हित की गई है, जहां पर भी कम रैयत प्रभावित हों उसी जगह पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। बताते चले कि पूर्व में टोल प्लाजा मांडर प्रखंड के मुड़मा स्थित बनाया गया था, जिसमें विरोध के कारण टोल प्लाजा को बंद करना पड़ा। NHAI के द्वारा टोल प्लाजा जिस तरह से बनाया गया था मांडर में, और उसको विरोध के कारण उस टोल प्लाजा को बंद करना पड़ा, और उसके बाद विभाग के द्वारा आदेश दिया गया कि चान्हो या मांडर के बीच सही ज़मीन देखकर टोल प्लाजा की नई निर्माण की जाए, उसको देखते हुए कई दिनों से लगातार NHAI और विभागीय माथापेची के बाद तय पाया कि चान्हो के करकट हो या संचिपी के आसपास टोल प्लाजा का निर्माण किया जाए। इसको लेकर के चान्हो अंचल कार्यालय हो, भूअर्जन रांची हो या और NHAI के अधिकारी लगातार चान्हो क्षेत्र का दौरा करके लगातार उन ज़मीनों को जहां पर टोल प्लाजा निर्माण होना है वहां पर ज़मीन की नापी और सर्वे का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जहां पर भी टोल प्लाजा बने दोबारा वह विरोध का शिकार ना हो और टोल प्लाजा बन करके पूरी तरह से काम करें।